हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने घर में वाईफाई लगाना चाहते हैं? क्या आप प्लान कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा वाईफाई आप अपने घर में लगवाएं? तो आपको ये वीडियो मेरा बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या गलती कर दी थी कि ताकि आप भी उस गलती को ना करो। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा आपको जियो फाइबर लगाना है या एयरटेल स्ट्रीम लगाना है। ये दोनों वाईफाई के कॉस्ट समथिंग सेम ही रहते हैं। तो पहले आपको अपने एरिया और लोकेलिटी के हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर एयरटेल का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है कि जियो का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके एरिया में जियो का नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है तो आप प्रीफर जियो ही कीजिए। घर में जियो का वाईफाई लगाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको माई जियो ऐप में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको जियो फाइबर के कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ेगा। फिर आप फ़ोन करेंगे उसमें तो वहाँ से कोई आदमी आएगा, फिर वो आपके घर में चेक करेगा कि आपके घर वाईफाई लग सकता है कि नहीं। उसके बाद फिर वो अपने इंजीनियर को भेजेंगे, आपसे पेमेंट पहले वो ले लेंगे, उसके बाद आपके घर इंजीनियर भेजेंगे, फिर वो इंजीनियर आके आपके घर में इंस्टॉल करके चले जाएगा। इफ हम जियो का वाईफाई लगाना चाहते हैं तो आपको 1 मंथ का 1500 कॉस्ट आएगा, और इफ आप 6 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो आपको 3000 नहीं 2800 में समथिंग आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्लान्स का भी डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ आप एयरटेल का वाईफाई लगाना चाहते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस है, आपको 1500 पर मंथ लगेगा और 3000 6 मंथ का वैलिडिटी रहेगा। और इफ आप एंटरटेनमेंट पैक यानी कि टीवी वाला वाईफाई लेना चाहते हैं तो उसका चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने पहले जियो वालों को फ़ोन किया था कि मुझे वाईफाई लगाना है ऐसा वैसा। उसके बाद उसका आदमी आया और देख के गया तो वो मुझसे पेमेंट ले लिया। उसको पता था कि मेरे एरिया में जियो वाईफाई नहीं लग सकता, फिर भी उसने मेरा पेमेंट लिया। शायद उनका काम रहता होगा उनको लॉगिन करने से मतलब, तो उसने मेरा पेमेंट लिया। उसके बाद जब अगले दिन इंजीनियर आए तो वो बोले कि साहब कि यहाँ वाईफाई नहीं लग सकता, आपके घर से और 300 मीटर दूर है, तो आपको 2000 2500 एक्स्ट्रा वायर का पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा और मैं बोला कि मैं एयरटेल का लगवा के देखता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को वो डिसफोर्स किया कि नहीं आप एयरटेल का मत लगाइए, उनका चार्जेस ऐसा है वैसा है, तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो आपको खुद सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके एरिया में कोई भी पोल हो तो वहाँ ब्रॉडबैंड है कि नहीं। मैं आपको इमेज डाल दूँगा, आप समझ सकते हैं कि ब्रॉडबैंड कैसा दिखता है। तो फिर आप अच्छे से आप समझ जाएंगे कि आपसे भी ये गलती ना हो। उनका वाईफाई एयरटेल का वाईफाई लगाने का प्लान कर रहे हैं तो मैं कस्टमर केयर नंबर फ़ोटो में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उनको कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वाईफाई इजीली लगवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप सुबह ही फ़ोन करें तो शाम तक आपका वाईफाई लग जाए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर दे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।